नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिराग की पार्टी को नागालैंड में मिला राज्य पार्टी का दर्जा। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को घेरा। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर राजद का पोस्टर वॉर। पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन ने कहा, सब सरकार के हाथ में है। चिराग की पार्टी को नागालैंड में मिला राज्य पार्टी का दर्जा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और सीपीआई को कर्नाटक और लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ा झटका मिला है। दरअसल इन तीनों से निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया गया है। इधर भारत राष्ट्र समिति और राष्ट्रीय लोक दल से भी निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय दल होने का दर्जा वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग द्वारा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। वहीं इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को भी भारत निर्वाचन आयोग ने एक राज्य पार्टी के रूप में नागालैंड में मान्यता दी है। संसदीय सदस्यता खत्म होने के बाद उपचुनाव से पहले राहुल गांधी का पहला वायनाड दौरा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद आज पहली बार पहुंचे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रही। यहां आने के बाद राहुल गांधी ने रोड शो करने के साथ ही रैली को भी संबोधित किया। बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद जल्द ही वायनाड सीट पर उपचुनाव होने की घोषणा होने वाली है। ऐसे में उपचुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी का यह दौरा चुनावी नजरिए से काफी अहम है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की सरकार पर नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर सरकार को घेरा है। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि टीईटी और एसटीईटी की परीक्षा जिन लोगों ने 2019 में दी थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थी पास हुए थे, क्या अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनाने के लिए भी एक बार फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। अब हर विद्यालय में पुराने वेतनमान नियोजित शिक्षक और नई नियमावली के तहत बहाल सरकारी शिक्षक यानी 3 तरह के शिक्षक होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इतना भद्दा मजाक कृपया ना करें। कांग्रेस के मना करने के बाद भी अनशन पर बैठे सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन मंगलवार के दिन जयपुर के शहीद स्मारक में शुरू कर दिया है। बता दें कि उनका यह अनशन तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर है। वहीं वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गहलोत के एक पुराने वीडियो को दिखाते हुए उन्होंने सवाल किया है कि अब तक इन मामलों की जांच क्यों नहीं की गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के पास पूर्व की बीजेपी सरकार के खिलाफ सबूत थी, लेकिन उस पर कार्यवाही की गई। अब इन मामलों को लेकर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पायलट ने पार्टी में इन मुद्दों को रखने के बजाय सीधे अनशन का रास्ता चुना, जो कि सही नहीं है। पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन ने कहा, सब सरकार के हाथ में है। सहरसा मंडल जेल से 6 महीने में तीसरी बार पैरोल पर बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सोमवार को देर शाम जेल से बाहर आए हैं। दरअसल उन्हें यह पैरोल बेटे चेतन आनंद की सगाई के लिए मिली है। बता दें कि गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपना दर्द एक बार फिर से बयां करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संकेत देते हुए कहा कि अब सब सरकार के हाथ में है। जेल से रिहाई होने पर उन्हें ही फैसला लेना है। बता दें कि डीएम हत्याकांड में दोषी करार हुए आनंद मोहन को मिले सजा की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन अब उन्हें जेल से छोड़ने पर निर्णय कब होगा या बिहार सरकार को ही निर्णय लेना है। अदानी समूह ने राहुल गांधी के सवाल का दिया जवाब। अदानी समूह के 20,000 करोड़ रुपए के निवेश पर बार बार राहुल गांधी की तरफ सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर बीते दिनों 2019 से लेकर अब तक अदानी कंपनियों में बेची गई कुल 2.87 अरब डॉलर के हिस्सेदारी का ब्यौरा उद्योगपति गौतम अडानी के समूह के द्वारा दिया गया है। ब्यौरा का सार्वजनिक करते हुए समूह द्वारा यह भी बताया गया है कि किस तरह से इस राशि का 2.55 अरब डॉलर हिस्सा दोबारा व्यापार में लगाया गया। वही ब्यौरा सार्वजनिक करते हुए अदानी समूह द्वारा यह बात भी कही गई है कि उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर राजद का पोस्टर वॉर।
अक्सर बिहार के राजनीति में पोस्टर वॉर का सिलसिला चलता ही रहता है। दरअसल इस बार राजद के तरफ से जारी पोस्टर में केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को लेकर ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। बता दें कि पोस्टर में एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दिखाया गया है, जहां यह लिखा हुआ है कि लालू परिवार सहित तमाम विपक्षी दलों के लोगों को सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर हम विपक्ष विहीन भारत बनाएंगे। साथ ही साथ पिंजरे में बंद तोते को सीबीआई के रूप में दिखाया जा रहा है। वहीं पोस्टर में दूसरी तरफ नीतीश और तेजस्वी नजर आ रहे हैं, जहां यह लिखा गया है कि सारे विपक्ष को एक कर आओ, हम महागठबंधन बनाएंगे। देश की सियासत संभालने के साथ ही विदेशी दौरे पर भी पीएम मोदी। अब बस एक साल का समय 2024 के आम चुनाव में बचा रह गया है, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष द्वारा तैयारी शुरू की जा चुकी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से नरेंद्र मोदी कई राज्यों में दौरे और रैली करते नजर आए, जिनमें कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी शामिल रहे। वहीं अब पीएम मोदी को करीब आधे दर्जन से भी अधिक देशों का दौरा आने वाले 5 महीनों में भी करना है। बता दें कि मई महीने में पीएम 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। इसी कड़ी में वे प्रशांत महासागर के द्वीप देश पापुआ न्यू गिनी का भी दौरा करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर डिज्नीलैंड मेला के सचिव ने कांग्रेस नेता पर लगाया रंगदारी का आरोप। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ 3 लोगों पर सोमवार के दिन मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज की गई है। बता दें कि डिज्नीलैंड मेला के सचिव प्रदीप कुमार द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर की गई है। मेला के सचिव प्रदीप कुमार द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मेला लगाने के लिए कांग्रेस के नेता द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। साथ ही साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार करते हुए 19 अप्रैल 2023 को सुनवाई रखी गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, जो 6 महीने में कश्मीर पहुंच गई। लोगों ने यात्रा पूरी भी कर ली, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि 6 महीने ज्यादा वक्त से चल रहा हूं और मात्र 4 से 5 जिला ही चल पाया हूं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यात्रा में किलोमीटर पूरा नहीं करना है, मैं गांव-गांव जाऊंगा और अंतिम व्यक्ति से मिलूंगा। मेरी यात्रा तब तक रहेगी जब तक मैं बीमार न पड़ जाऊं। 13 अप्रैल को रोजगार मेले के तहत देश के 71,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के तहत भर्ती हुए 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई है। बता दें कि ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीए, एमटीएस जैसे पदों के लिए देश भर से इन युवाओं का चयन किया गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार से पूछताछ जारी। आज ईडी की टीम ने करीब 3 घंटे तक पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीशा भारती के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री से पूछताछ की। पूछताछ के बाद लालू परिवार को 3 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया था। तेजस्वी यादव ने इससे पहले सोमवार को पटना से दिल्ली रवाना होते वक्त पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कानून पर उन्हें पूरा भरोसा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब भी कोई जांच एजेंसी बुलाती है तो वे पूछताछ में जरूर शामिल होते हैं। चिराग तेजस्वी और सीएम नीतीश को लेकर रामकृपाल यादव ने कह दी ये बात। बीते दिनों इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान को आमंत्रित किया गया था। अब महागठबंधन में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को आमंत्रित किया जा रहा है। जब इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी का आयोजन रामविलास पासवान की तरफ से भी किया जाता था। इफ्तार पार्टी के आयोजन की परंपरा पुरानी रही है, इसे पॉलिटिकल एंगल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। साथ ही साथ सीएम नीतीश के दिल्ली जाने और विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करने की बात पर उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले वे मिलके आ चुके हैं। साथ ही नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने की बात पर उन्होंने कहा कि उन लोगों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ना ही नीतीश प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना ही तेजस्वी मुख्यमंत्री के। राजद प्रवक्ता ने ओवैसी को बीजेपी की बताई बी टीम, कहा बीजेपी का पत्ता साफ करना मुश्किल नहीं। राजद के प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने अमित शाह, ओवैसी और पप्पू यादव को लेकर बयान दिया है। दरअसल उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम जताई है। साथ ही साथ कहा है कि शाह और ओवैसी दोनों गुप्त तरीके से मीटिंग करते हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ करना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वहीं जब उनसे पप्पू यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा के सदस्य हैं, वे भी महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे।
दिल्ली उपराज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा यह बयान दिया गया है कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बाद भी अशिक्षित रह जाते हैं। बता दें कि उनके यह बयान दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर था, जिसकी वजह से अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उपराज्यपाल पर सख्त टिप्पणी की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कैसे काम कर सकते हैं। 10 सदस्यों को दिल्ली नगर निगम में मनोनीत करने के मामले को लेकर यह टिप्पणी की गई है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या सीएम नीतीश विपक्षी पार्टियों को एक करने में सफल हो पाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।